नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट पर। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर मैं आपके सामने लेके आया हूँ आइडलिस्ट अप्रोच, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शुरू में आदर्शवादी अप्रोच थी ही नहीं, ठीक है, ये लिबरल अप्रोच थी। आपने इस बात को बिल्कुल याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लिबरल अप्रोच को ही आदर्शवादी अप्रोच बोला जाता है, और लिबरल अप्रोच को आदर्शवादी अप्रोच बोला था रियलिस्ट थिंकर ने, जो यथार्थवादी थिंकर थे। उन्होंने लिबरल अप्रोच को आदर्शवादी क्यों बोला? क्योंकि लिबरल अप्रोच क्या बात कर रही थी? वो बात कर रही थी पीस की, शांति की, युद्ध नहीं होना चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की कोई भूमिका ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके की बात कर रही थी लिबरल अप्रोच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। अब जब आदर्शवादी जो आपके लिबरल जो थिंकर थे, उन्होंने इस तरीके के आदर्शों को अपनाया जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू किए ही नहीं जा सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से शक्ति की भूमिका को हटाया ही नहीं जा सकता था, इसलिए यथार्थवादियों ने लिबरल अप्रोच की आलोचना करके कहा, उसके क्रिटिसिज्म में इसे आदर्शवादी कहा। हालांकि ये कौन सी अप्रोच थी? लिबरल अप्रोच। लिबरल अप्रोच को इन्होंने क्या बना दिया? आदर्शवादी या आइडियलिस्टिक अप्रोच। दोस्तों, यहां पर एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, जो कि मुझे भी हुई थी, कि पहले रियलिस्टिक अप्रोच आई या आइडियलिस्टिक अप्रोच आई। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि बुक में आपको मिलेगा कि सबसे पहले रियलिस्ट कौन थे, थ्यूसिडाइस, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर इन्होंने लिखी है, और ये प्लेटो से भी पहले के थिंकर है। प्लेटो तो उसके बाद आए, क्योंकि प्लेटो को आदर्शवादी विचारक माना जाता है। उसके बाद हीगल हो गए, फिक्टे हो गए, बहुत सारे ग्रीन हो गए, तो ये क्या है, आदर्शवादी थिंकर माने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो, हॉब्स, मैकियावेली, रूसो, ये भी तो रियलिस्टिक थिंकर है। तो आइडियलिस्टिक अप्रोच पहले आई या रियलिस्टिक अप्रोच पहले आई, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन है। तो सबसे पहली बात यहां पर अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें ना तो आइडियलिस्ट से कुछ लेना है कि आइडियलिस्ट पहले आए या रियलिस्ट पहले आए, जो भी पहले आया होगा छोड़ दो, हमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर फोकस करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत कब से हुई? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो पहली चेयर है, जिसे वुड्रो विल्सन चेयर के नाम से जाना जाता है, 1920 में स्थापित हुई। तो वो किसने स्थापित की थी? वो स्थापित की थी आइडियलिस्ट थिंकर्स ने, जो कि मानते थे युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्धों को रोका जाना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित होनी चाहिए। तो ये आइडियलिस्टिक थिंकर थे जिन्होंने भी ये चेयर स्थापित की, ठीक है। तो सबसे पहली अप्रोच कौन सी हुई? सबसे पहली अप्रोच हुई आइडियलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एस्टेब्लिश किया है। अब आपको बहुत सी बुक में देखने को मिलेगा कि आइडियलिस्टिक अप्रोच रियलिस्ट के विरोध में आई थी। तो अब आप यहां पे फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि आइडियलिस्टिक अप्रोच अगर रियलिस्ट अप्रोच के विरोध में आई, तो रियलिस्ट तो पहले आ गई होगी, ठीक है। कंफ्यूजन जायज भी है, लेकिन दोस्तों बस यही बात अपने माइंड में बिठाओ कि 1920 के बाद ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्टडी करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्टडी करने के लिए ही अप्रोचेज बनाई जाती है। उससे पहले जो भी रियलिस्टिक थिंकर थे, जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को मानते थे, उनकी अलग से अपनी कोई अप्रोच नहीं थी। वो इन जर्नल में बात करते थे कि शक्ति की भूमिका है, एज अ अप्रोच वो बात नहीं करते थे। पहली जो क्रमबद्ध तरीके से अप्रोच आई है, वो है आइडियलिस्टिक अप्रोच, और उसके बाद इसमें ग्रेट डिबेट चली, जिसे कि फर्स्ट ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि सबसे पहले आइडियलिस्टिक अप्रोच आई,
लेकिन इस अप्रोच की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ये अप्रोच क्या चाहती थी? कोई भी दृष्टिकोण होता है, कोई भी अप्रोच, कोई भी रास्ता होता है, तो किसी कंक्लूजन की ओर जाने के लिए हम उसको बनाते हैं। अप्रोच क्या है? अप्रोच एक तरीके का रास्ता है जिसके थ्रू हम थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। तो आइडियलिस्टिक अप्रोच या लिबरल अप्रोच क्या चाहती थी? आखिर ये अप्रोच क्यों आई? दोस्तों, आपको पता होगा 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, और वर्ल्ड वॉर इतना भयानक था कि उससे बहुत ज्यादा जान और माल की हानि हुई। पूरे विश्व में हाहाकार मच गई, और जितने भी उस टाइम राजनीतिज्ञ थे, जितने भी विद्वान थे, उन्होंने इस स्थिति को रिपीट ना होने के लिए एक सिद्धांत बनाने की कोशिश की। उन्होंने युद्धों से बचाव करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाने चाहे जिसके द्वारा शांति स्थापित हो सके, जिसके द्वारा सारे विश्व में बंधुत्व बढ़े, जिसके द्वारा शक्ति की भूमिका को कम किया जा सके और संघर्षों को कम किया जा सके। उसी के लिए आई थी आइडियलिस्टिक अप्रोच। दोस्तों, अब देख लेते हैं इसके मुख्य समर्थक कौन है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कौन से थिंकर आदर्शवादी है और कौन से यथार्थवादी, तभी आप पेपर में बैठ के उसको सॉल्व इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले थिंकर इसमें है कॉन्डरसेट। दोस्तों, कॉन्डरसेट एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने ऐसी विश्व व्यवस्था का वर्णन किया है जिसमें युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं होगा, ना उसमें विषमता होगी, ना ही उसमें अत्याचार होंगे, और उसमें क्या है, मनुष्य अपनी बुद्धि और शिक्षा के द्वारा क्या अपनी उन्नति करेगा और समाज में क्या है, शांति व्यवस्था स्थापित करेगा। और दोस्तों, 1795 में दिए गए इसी विचार के आधार पर 1920 के बाद आदर्शवाद का जन्म होता है। दोस्तों, आदर्शवादियों की यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि ह्यूमन नेचर के बारे में वो बोलते हैं। दोस्तों, आदर्शवादियों के मतानुसार भूतकाल के संघर्ष का कारण भी अधिक शक्ति का प्रभावी होना नहीं, अपितु विरोधी आदर्शों व सिद्धांतों में संघर्ष का होना रहा है। ये इनकी बेसिक अजम्पशन है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। इन्होंने क्या बोला, भूतकाल में जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितनी भी लड़ाइयां हुई है, वो इसलिए नहीं हुई कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। लड़ाइयां हमेशा तभी हुई है जब लोगों के विचार आपस में नहीं मिले, एक व्यक्ति के हित दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं मिले, तभी वो लड़ाई हुई है। शक्ति इसका कारण नहीं है। अथा इन्होंने क्या है, शक्ति की भूमिका को बिल्कुल ही निरस्त कर दिया है अपने इस आदर्श वाक्य के अंदर। दोस्तों, अगले थिंकर है हर्बर्ट बटरफील्ड, नेक्स्ट है रेनहोल्ड नेबूर, सॉरी इसमें डबल एन लग गया है, ये सिंगल एन आएगा, नेक्स्ट बर्डाली, अगले हैं कॉलग्रोव, नेक्स्ट फेनविक। दोस्तों, यहां पर मैं इन थिंकर्स को डिटेल में आपके सामने नहीं रख रहा हूं, और इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप इन थिंकर्स के नाम तो याद जरूर रखो। नेक्स्ट इसमें थिंकर है गार्नर, हर्शे, हाइड, पाटर, शोटवेल, वुड्रो विल्सन, क्विंसी राइट और बर्ट्रेंड रसल। दोस्तों, जितने भी ये थिंकर है, सारे के सारे लिबरल थिंकर है। ये क्या है, लिबरल थिंकर है, और इन्होंने आइडियलिस्टिक अप्रोच का समर्थन किया है। और यही कारण है दोस्तों कि आदर्शवाद को लिबरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, लिबरल इंटरनेशनल रिलेशन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। अब लिबरलिज्म का बेसिक अजम्पशन क्या है? लिबरलिज्म की बेसिक अजम्पशन है व्यक्ति विवेकशील होता है, ठीक है? व्यक्ति क्या है, रैशनल प्राणी होता है, उसके अंदर सोचने समझने की इतनी क्षमता है कि वो अपना भला बुरा सोच सकता है।
मनुष्य की बुद्धि इतनी शार्प है कि वो संघर्षों को विराम लगा सकता है, वो अपने बुद्धि से अच्छे काम कर सकता है और शक्ति की भूमिका को कम कर सकता है। दोस्तों अब देख लेते हैं बेसिक अजम्पशन ऑफ आइडियलिज्म, इनकी मूल मान्यताएं क्या है, किन सिद्धांतों पर ये टिका हुआ है। दोस्तों सबसे पहली इनकी मान्यता है कि मानव स्वभाव अच्छाई से भरा है और इसी कारण वो दूसरों की मदद व परोपकार करते हैं। और दोस्तों जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मानवीय स्वभाव के बारे में, इसी को इंटरनेशनल रिलेशन में देशों के ऊपर लागू किया जाता है, क्योंकि मानवीय स्वभाव क्या है, अच्छा है, इसलिए क्या है, देश में रहने वाले व्यक्तियों का स्वभाव अच्छा है तो देश का स्वभाव भी अच्छा होगा और देश दूसरों की मदद करेंगे। जब देश दूसरों की मदद करेंगे तो वहां पर शक्ति के लिए और झगड़े के लिए ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। आदर्शवाद की दूसरी मान्यता है युद्ध और हिंसा अत्याचार को खत्म किया जा सकता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध और हिंसा का कोई भी महत्व नहीं है। और इस पॉइंट को रियलिस्ट ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि युद्ध और हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हटाया ही नहीं जा सकता है। ह्यूमन नेचर के ऊपर आगे ये क्या बोलते हैं कि मनुष्य का बुरा व्यवहार उसके आसपास के वातावरण का नतीजा है, हालांकि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है। मनुष्य हिंसा क्यों करता है, मनुष्य क्रोध क्यों करता है, मनुष्य झल्लाता क्यों है, मनुष्य चिल्लाता क्यों है, वो उसके आसपास के वातावरण के कारण है। हालांकि मनुष्य का जो स्वभाव है बहुत ही पीसफुल है, वो बहुत ही ज़्यादा लविंग नेचर का है, लेकिन जो उसका आसपास का वातावरण है ना तनावपूर्ण, उसकी वजह से वो क्या करता है, हिंसा करता है। ये बोलते हैं आदर्शवादी, क्योंकि दोस्तों आसपास का वातावरण क्या है, तनावपूर्ण है। तनाव किसकी वजह से है, तनाव है एक दूसरे से डर की वजह से कि सामने वाला मुझ पर अटैक कर देगा, ठीक है, उनको क्या है, असुरक्षा की भावना है, उसकी वजह से क्या है, तनाव बना रहता है लोगों के बीच। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी क्या है, असंदेह है, असुरक्षा की भावना है, तनाव है कि पता नहीं कब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर दे, पता नहीं कब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आक्रमण कर दे, इसलिए क्या है, सिचुएशन तनावपूर्ण बनी रहती है। और उस तनावपूर्ण सिचुएशन को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम कर सकती है। और इनकी ये जो चौथी बेसिक अजम्पशन है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि लीग ऑफ नेशन जो कि 1920 में बनी थी, अगर वो सकारात्मक काम करे, सकारात्मक काम मतलब वो देशों के बीच मित्रता को बढ़ाने के लिए, देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, असुरक्षा को खत्म करने के लिए काम करे, तो देशों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। दोस्तों अगली इनकी बेसिक अजम्पशन है, नैतिकता को ये बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और ये मानते हैं कि नैतिकता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, नैतिकता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य क्या है, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्यों करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसलिए करते हैं ताकि देशों के बीच युद्ध ना हो और शांति स्थापित की जा सके, सहयोग की भावना बढ़े, विश्व बंधुत्व बढ़े, इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साध्य। तो इन साध्यों को आदर्शवादी नैतिकता के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। नैतिकता के अंदर क्या है, नैतिकता के अंदर एक देश दूसरे देश को गाली नहीं देगा, नैतिकता है, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, अगर एक देश के व्यक्ति दूसरे देश के किसी भी भाग के ऊपर, मतलब किसी भी टाइप का कोई डिस्प्यूट है तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से निपटाएंगे, जैसे कि नैतिक प्राणी होते हैं, झगड़ते नहीं है दूसरे से, तो ये क्या है, नैतिकता को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। दोस्तों आदर्शवादियों का अगला पॉइंट है कि तानाशाही के लिए किसी भी प्रकार का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदर्शवादियों का क्या मानना था कि युद्ध क्यों होते हैं,
युद्ध इसलिए होते हैं, जो सर्वसत्तावाद या तानाशाह शासक होते हैं वो अपने अपने मतलब ईगो को पूरा करने के लिए क्या है, अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए क्या है, दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं या दूसरे देशों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, युद्ध होता है। फॉर एग्जाम्पल किम जोंग क्या है, सर्वसत्तावाद अपना रवैया अपनाए हुए हैं और अमेरिका को कभी गाली दे रहे हैं, कभी मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि तानाशाही या सर्वसत्तावादी शासक के लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, युद्ध को बढ़ावा देते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति का खंडन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इनकी क्या मान्यता है कि भूतकाल में भी संघर्षों का कारण अत्यधिक शक्ति नहीं रही है, बल्कि विरोधी विचारों में संघर्ष का होना रहा है, और इसी के आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की थी। अगला पॉइंट, ऑब्वियसली इन्होंने यथार्थवाद का पुरजोर विरोध किया, और यथार्थवाद का विरोध करना इनकी एक मुख्य विशेषता है। माना जाता है कि जो पहले रियलिस्टिक थिंकर थे उन्हीं के विरोध में इन्होंने क्या किया है, इस विचारधारा को जन्म दिया है। तो बात हुई बेसिक अजम्पशन की, अब बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर या अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या सुझाव दिए, इन्होंने युद्धों को रोकने के लिए क्या सुझाव दिए। दोस्तों सबसे पहला इनका सुझाव है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्धों का अंत होना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ के थ्रू जितने भी कन्फ्लिक्ट है उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। इसीलिए इन्होंने हेग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना की वकालत की थी, जो कि स्थापित किया भी गया था। सेकंड इनका पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लीग ऑफ नेशन के रूप में 1920 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन। वर्ल्ड फेडरेशन का क्या मतलब है, विश्व समुदाय बनाया जाना चाहिए। जैसे कि फेडरेशन बना है आपका, यूएसएसआर का फेडरेशन बना था, यूएसए का फेडरेशन है, वैसे ही वर्ल्ड फेडरेशन बनना चाहिए। नेक्स्ट सुजेशन है एडहेरेंस टू मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक मूल्यों के द्वारा क्या है, शांति स्थापित की जा सकती है। फिफ्थ है सपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब ये सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, आत्म निर्णय का सिद्धांत, कि हम जो भी निर्णय लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर उसको हम आत्मनिर्भर होकर ले, किसी के दबाव में आकर हम निर्णय ना ले। सिक्स्थ इनका सुजेशन है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। लिबरल थिंकर्स का क्या मानना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति अपनाई गई है वो पक्षपातपूर्ण है, ये अमीर देशों के लिए ज़्यादा लाभकारी है और गरीब देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, इसको रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए ताकि हर राष्ट्र को इक्वल वेटेज मिले मुद्रा के मामले में। अगली सुजेशन है इम्फेसिस ऑन द एंड ऑफ आर्मामेंट, यानी शस्त्रों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए और उनका विनाश किया जाना चाहिए। जब शस्त्र खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली युद्ध का खतरा भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो स्पेस फॉर टोटेलिटेरियनिज्म, जो कि मैं पहले ही आपके सामने डिस्क्राइब कर चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्फेसिस ऑन एजुकेशन रीजनिंग एंड साइंस। जैसा कि कॉन्डरसेट ने भी पहले बोला था कि एजुकेशन रीजनिंग और साइंस के द्वारा क्या है, विकास किया जा सकता है और जो हमारे बीच कन्फ्लिक्ट है उनको खत्म किया जा सकता है। दोस्तों ये था मुख्य रूप से विचार आदर्शवाद का, जो कि लिबरल प्रिंसिपल के ऊपर आधारित था। दोस्तों अब ब्रीफली इसमें देखते हैं, इसके साथ जो
थिंकर जुड़े हैं। सबसे पहले इसमें थिंकर है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने जो 14 सूत्री अपना फॉर्मूला दिया था उसके अंदर इन्होंने आदर्शवाद की रूपरेखा प्रस्तुत की थी कि आदर्शवाद किन किन सिद्धांतों के ऊपर टिका हुआ है। और वुड्रो विल्सन को ही लीग ऑफ नेशन का पिता माना जाता है और साथ ही इन्हें पब्लिक एड का भी पिता माना जाता है। वुड्रो विल्सन के प्रयास से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की फर्स्ट चेयर स्थापित की गई थी और वुड्रो विल्सन ही थे जिन्होंने राजनीति को प्रशासन से अलग करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें थिंकर है नॉर्मल एंगल। नॉर्मल एंगल ने एक बुक लिखी थी द ग्रेट इल्यूजन। द ग्रेट इल्यूजन के अंदर एंगल ने क्या बात कही थी कि अगर किसी को लगता है कि युद्ध के द्वारा किसी को 100% लाभ होगा तो ये उसका बहुत बड़ा इल्यूजन है, वो धोखे में जी रहा है। क्योंकि आजकल युद्ध की स्थिति बदल चुकी है, अगर कोई भी किसी से युद्ध करता है तो दोनों पक्षों को जान और माल की हानि होगी। और क्योंकि आजकल के संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर टिके हुए हैं, अगर एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो दोनों देशों के बीच का ट्रेड व्यापार खत्म हो जाएगा और दोनों ही देशों को खतरनाक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी को लगता है कि युद्ध के द्वारा आप 100% बेनिफिट प्राप्त करोगे तो ये आपका ग्रेट इल्यूजन है और ये विचार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका। दोस्तों अगले महत्वपूर्ण थिंकर है क्विंसी राइट। क्विंसी राइट ने वॉर के ऊपर स्टडी की। इन्होंने वॉर के ऊपर 40 डिजर्टेशन और 10 बुक पब्लिश की जो कि 1942 में मैग्नम ओपस अ स्टडी ऑफ वॉर 1942 में इन्होंने प्रकाशित की। और क्विंसी राइट ने पूरी जिंदगी वॉर को समझने की कोशिश की तथा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा इन्होंने इकट्ठा किया और युद्धों को कैसे रोका जाए उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सुजेशन दी थी। अगले हमारे इम्पोर्टेंट थिंकर है बर्ट्रेंड रसल। बर्ट्रेंड रसल ने युद्धों को बहुत ही भयानक और ख़तरनाक माना है और युद्धों के ये बहुत ही बड़े आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने प्रिवेंटिव न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात की कि जो न्यूक्लियर मोनोपोली एक देश की हो गई है वो क्या है, युद्धों को कम कर सकती है। और इन्होंने ही वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात की थी कि अगर दुनिया में कोई ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है तो शांति स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है माइकल डोले। माइकल डोले ने क्या है, वुड्रो विल्सन की तरह ही लोकतांत्रिक शांति की बात की कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र आपस में कभी नहीं लड़ते हैं और लोकतंत्र के द्वारा शांति स्थापित की जा सकती है। और दोस्तों सबसे पहले लोकतांत्रिक शांति की बात की थी इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट की बात को ही आगे बढ़ाया है माइकल डोले ने। उसके बाद फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा भी लिबरल थिंकर है, उन्होंने भी आदर्शवाद की इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया था। दोस्तों कुछ थिंकर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसके अलावा भी कुछ थिंकर बचते हैं जैसे कि हॉफमैन, जिमन और चार्ल्स बेट्ज। ये सारे थिंकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लिबरलिज्म का समर्थन करते हैं। दोस्तों आपको लिबरलिज्म में ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनसे जुड़े थिंकर्स को आपको एक बार ज़रूर देखना होगा और इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है और इनकी मेन थ्योरी क्या रही है आइडियलिज्म के अंदर, उस बात को आपको ज़रूर क्लियर करना होगा ताकि आप पेपर में कन्फ्यूज ना हों।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडियलिज्म की शुरुआत 1920 के बाद हो जाती है, लेकिन इनके द्वारा जो विचार दिए गए थे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन बनाने के, शस्त्र नियंत्रण करने के या फिर लोकतांत्रिक शांति के, धीरे धीरे 1939 आते आते वो सारे सिद्धांत फेल हो गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जो कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी वो भी कहीं ना कहीं फेल हो गई। इन्होंने जो बात की थी कि युद्धों को ख़त्म किया जा सकता है, युद्धों को रोका जा सकता है, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। और इनके द्वारा जितने भी आदर्शात्मक जो इनके द्वारा विचार दिए गए थे वो सारे के सारे फेल हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक नया धड़ा उभर कर सामने आया, जिसने कि जमकर लिबरल अप्रोच की आलोचना की। और लिबरल थिंकर्स को इन्होंने क्या बोला, आइडियलिस्टिक या आदर्शवादी विचारक। और दोस्तों, इसमें मुख्य विचारक रहे हैं हैंस जे मोर्गेंथू, ई एच कार, केनेथ वी थॉम्सन और स्पाइकमैन, फ्रेडरिक वॉलकिंस। इसके अलावा और भी बहुत छोटे मोटे इसमें थिंकर रहे हैं जिन्होंने लिबरल अप्रोच को आइडियलिस्टिक अप्रोच कहकर उसका क्रिटिसिज्म किया था, जिनको कि मैं अगली वीडियो में अच्छे से आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपकी कोई सुजेशन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।